आज हम बनाने जा रहे हैं आम का कूचा। आम का कूचा बनाने के लिए हमने आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। इनको पहले हम छील लेंगे। इनको हमने छीलने से पहले धोकर पोंछ लिया था। हमने तीनों आम छील लिए हैं। अब इनको हम कद्दूकस करेंगे। तो जो सबसे बड़ा साइज है कद्दूकस करने का, उसी में हम कद्दूकस करेंगे। हमने तीनों आम कद्दूकस कर लिए हैं। और देखिए, जिसकी गुठली सबसे मुलायम होती है वही आम का कूचा ज़्यादा अच्छा बनता है। कद्दूकस किए हुए आम को पहले हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। हमने ये रेडीमेड आम के अचार का मसाला लिया है। ये 1 किलो के हिसाब से है। 1 किलो में पूरा पैकेट पड़ेगा। करीब 200 ग्राम का ये पैकेट है। हम इसमें डालेंगे केवल 100 ग्राम, क्योंकि हमारा ये आधा किलो है। ये कहीं कहीं पे चमन के नाम से और कहीं कहीं पे थंडर के नाम से मिलता है। ये मसाला बहुत ही अच्छा होता खाने में। इसको हम आधा मसाला इसे मिला देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसमें सब चीज़ें पड़ी होती है। इसमें नमक भी नहीं मिलाना हमको होता है। नमक, हल्दी, मिर्च, सौंफ, मेथी, सब कुछ पड़ा होता है इसमें। अब इसमें हम 3/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। यह अचार खाने में बहुत टेस्टी होता है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा रहे हैं। इसमें हमने 1 मुट्ठी देसी चना लिया है। इसको हमने कपड़े से पोंछ लिया है, धोया नहीं है, सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। इसको इसमें हम डाल देंगे। जब ये आम के अचार के साथ में गल जाएगा तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। कूचा को आप 4 से 5 दिन तेज़ धूप में रखिए कपड़े से ढककर, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और इसको एक साफ़ शीशे के जार में रखिए। बिना किसी झंझट के तुरंत बनने वाला ये आम का कूचा बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। हमने इसमें थोड़ा सा तेल और बढ़ाया है। आम का कूचा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।